समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पोस्टर वार किया। पोस्टर में जहां बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को विकास के रथ पर सवार दिखाया गया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को विनाश के रथ पर बैठाया गया है। पोस्टर में सपा बसपा गठबंधन के 80 सीटों पर जीत का दावा किया गया है। पोस्टर के बीच में भाजपा को जीरो पर आउट करके दिखाया गया स्लोगन लिखा है। उसके नीचे जनता को बुआ और बबुआ पसंद है स्लोगन लिखा है। वहीं उसके नीचे यूपी की जनता जुमलेबाजों को 80 सीटों पर हराएगी लिखा गया है। उसके नीचे निवेदक के रूप में समाजवादी पार्टी गोरखपुर लिखा है। पोस्टर जारी करने वाले सपा के पूर्व नगर सचिव आफताब अहमद ने कहा कि यूपी की जनता को सपा और बसपा का गठबंधन काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सपा बसपा गठबंधन 80 सीटों पर जीत कर आएगी। उनका कहना है कि भाजपा की सरकार ने जितने भी वादे जनता से किए उसे पूरा नहीं किया। नोटबंदी से लेकर काला धन तक लाने के वादे झूठे साबित हुए। ऐसे में जनता भाजपा सरकार की मंशा को अच्छी तरह से समझ चुकी है। यही वजह है कि अब जनता भी इनके झांसे में आने वाली नहीं है। भाजपा की सरकार ने घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए उस पर वह खरे नहीं उतर सकी। सपा और बसपा का गठबंधन देश और प्रदेश में विकास की लहर लाएगा, क्योंकि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जितने भी वादे किए थे उसे पूरा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले सपा बसपा का गठबंधन क्या गुल खिलाता है या तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से पोस्टर वार की जंग छिड़ी है उससे साफ है कि सारी विपक्षी पार्टियां भाजपा को घेरने की कवायद में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरकर गठबंधन को बधाई दिया जा रहा है और समाजवादी पार्टी को रथ पर अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी को विकास के रथ पर दिखाया गया और विनाश के तौर पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को दिखाया गया। और ये जुल्मों की सरकार है और इन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। जनता से भाजपा सरकार ने 15 लाख रुपया लाएंगे, GST लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं लागू किया, केवल जनता को केवल धोखा देने का काम किया गया। गोरखपुर से अजीत सिंह की रिपोर्ट।